बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन हो। पश्चिम बंगाल में आखिरकार क्या चल रहा है? जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा सबसे अंतिम में आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हो उसके बाद से जो सियासत है काफी ज्यादा गर्म हो गई है। विपक्ष तो बोल ही रहे हैं लेकिन पक्ष वाले ने भी अब अपने बयान को जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि पहले चिराग पासवान और अब ललन सिंह दोनों ने अच्छे तरीके से ममता बनर्जी के बयान को लेकर और जिस तरीके से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है इसको लेकर पहले चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसे हमने आपको सुनाया भी था। अब ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया है और कहा है कि वेस्ट बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। आखिरकार एक महिला मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल में और जब आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ऐसा कुछ भी हुआ तो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था और रातों रात जो भी मुख्य आरोपी है अपराधी है उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये कार्रवाई की जो प्रोसेस है वो चल रही है। इसको लेकर अब एनडीए सरकार की और कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है ममता बनर्जी को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने सीपीआई माले के भी नेता को जोड़ा है ममता बनर्जी से। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं ललन सिंह। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहां की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठी चार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है और उनको यही भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रही। तो आपने सुना ललन सिंह के इस बयान को जो काफी तीखे तेवर में बता रहे थे ममता बनर्जी को। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ उसके बाद से लगातार महिला सुरक्षा की बातें जो है देश में फैलने लगी कि आखिरकार महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसको लेकर ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट भी किया और इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। अब ऐसे में ललन सिंह ने भी ममता बनर्जी को घेरा और एक तीखा जवाब दिया ममता बनर्जी को। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।